हेलो दोस्तों, अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमें चाहिए होगा 200 ग्राम आटा, 100 ग्राम 100 ग्राम मकई का आटा, 50 ग्राम सूखा दूध, 80 ग्राम बादाम पिसा हुआ, 100 ग्राम शक्कर, 1 अदद वनीला या फिर वनीला शुगर भी चलेगा, इन दोनों में से जो आप अवेलेबल हो। ये टेस्ट के लिए होता है, फ्लेवर के। और दोस्तों, हमें इसके लिए दरकार होगा 250 ग्राम मक्खन। अगर रूम टेम्परेचर पे हो, नरम हो, सॉफ्ट हो तो अच्छा है, वरना आप इसको आप हल्की आंच पर थोड़ा सा नरम भी कर सकते हैं ताकि आटे में मिक्स किया जा सके। और इस मक्खन को हम इस जो है ना इस आटे में ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसको एक आटे की तरह गूंद गूंद के फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो दोस्तों, आपने वनीला को जो है ना बीच में से इसको ऐसे कट लगा देना है। कट लगा के इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसके अंदर जो वनीला का जो फ्लेवर है वो राउस इसको बाहर निकालना है ऐसे। इसको भी ऐड कर देना है मक्खन में और आटे में। फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स करके जो है ना इसको आटे की तरह बना के थोड़ा, फिर इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको जो है ना फ्रिज में रखना है। तो व्यूअर्स, आटा तैयार हो चुका है हमारा। आप इसको प्लास्टिक से या किसी चीज़ से ढक कर, प्लेट से ढक कर, आप ताकि थोड़ा थोड़ा सा बटर सख्त हो जाए ताकि आप इसको जब प्रेस करें तो ये जो है ना ज़्यादा टूटे मत। अच्छा, तो व्यूअर, ये अभी जो है ना ये फ्रिज में 15 मिनट तक हमने रखा था। उसके बाद इसको हम जैसे छोटे छोटे बाल बनाएंगे, लड्डू की तरह गोल गोल। उसको बाल बनाने के बाद जो है ना आप इसको ऐसे रख के इसको किसी कांटे के साथ, फोर्क के साथ ऐसे प्रेस करेंगे। इस तरह से इसको आप प्रेस करेंगे तो ये आपको बिस्कुट की शक्ल तैयार कर लेगी। इस तरीके से व्यूवर्स, 160 से 180 डिग्री तक इसको पकाना है 12 से 15 मिनट तक। और ख्याल रहे कि इसका कलर जो है ना ज़्यादा ब्राउन ना हो। अच्छा, तो व्यूवर्स, अब हम इसे ओवन में रखेंगे पकाने के लिए। तकरीबन 12 से 15 मिनट चाहिए होगा इसे। ज़्यादा ब्राउन होने मत देना। ओके व्यूवर्स, अब जो है ना हमारे 12 मिनट हो चुके हैं। 12 मिनट के बाद जो है ना हमारे बिस्कुट इस तरह से हैं, क्रंची बिस्कुट हैं। अच्छा, तो व्यूवर्स, ये बिस्कुट तैयार हो चुका है। इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दें, और ठंडा होने के बाद आप इसको प्लेट में निकाल के जो है ना इसको 3 हफ्ते तक आप इसको बॉक्स में बंद करके रख सकते हैं। ये खस्ता और करारा रहेगा। तो व्यूवर्स, क्रंची बादामी बिस्किट तैयार है। आप इसे सर्व कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। व्यूवर्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।